चाइल्ड अप्रोप्रिएट टेट सी टेट एंड टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट है, बच्चा बैठना प्रारंभ करता है 7 माह में, लगभग 7 माह में बैठना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करने लगता है 6 महीने में। भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है 1 माह में। भूख लगना यानी कि 1 माह में उसका बौद्धिक विकास होने लग जाता है। नवजात शिशु सोता है लगभग 20 से 22 घंटे। वे बच्चे जिनके परिवार का वातावरण लोकतांत्रिक होता है अन्य बच्चों की तुलना में अधिक क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था डोनाल्ड तथा मिलर ने। संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की प्रेरणा थे जीन पियाजे। बाल विकास का सिद्धांत है संज्ञात्मक सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत और मनोविश्लेषण सिद्धांत। और बाल विकास का सिद्धांत नहीं है गतिशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, संवेग नहीं है अपनापन, और संवेग है चिंता, क्रोध है संवेग है, और जो अपनापन है वो संवेग नहीं है। शिशु का क्रियात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है गर्भावस्था से, गर्भावस्था से उसकी क्रियाएँ प्रारंभ हो जाती हैं। विकास अग्रसर होता है अवस्था अनुसार, यानी कि जो विकास है अवस्था के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि अग्रसर होता रहता है, आगे की ओर चलता रहता है। विकास के प्रतिमानों में स्थिरता होती है, यानी कि विकास होते होता है फिर बीच में डेवलपमेंट थोड़ा रुकता है, जैसे लंबाई बढ़ते बढ़ते रुक जाना फिर बढ़ना, तो उसमें स्थिरता आती है। शैशव का स्कूल, यानी स्कूल और इन्फेंसी नामक पुस्तक लिखी थी कोमेनियन ने। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कहा था रूसो ने। यानी कि बालक का जो मन है वही अध्यापक के लिए पाठ्य पुस्तक है, यह कहा था रूसो ने। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों और निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कहा था ड्राइवर ने। कोरी पार्टी का सिद्धांत दिया था जॉन लॉक ने। कोरी पार्टी का सिद्धांत के प्रतिपादक थे जॉन लॉक। समाजीकरण की अवस्था है सोच अवस्था, किशोर अवस्था एंड मौखिक अवस्था, सभी समाजीकरण की अवस्था हैं। बालकों में सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज की, विद्यालय की तथा परिवार की, तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है पोषण, सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण होता है। जब कोई बालक सामान्य व्यवहार में से भिन्न व्यवहार करता है तो इस व्यवहार को कहते हैं असामान्य व्यवहार। शैशवावस्था है समायोजन की अवस्था कहलाती है। सामाजिक विकास की चरम सीमा प्रकट होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की चरम सीमा आ जाती है। वृद्धि का अर्थ आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना।